चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। आमतौर पर भोजपुरी फिल्म के निर्माता निर्देशक फिल्मों पर प्रयोग कम करते हैं और दर्शकों को पसंदीदा लटके झटके वाली फिल्मों का निर्माण करते रहते हैं, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर के युवा की निर्देश की टीम ने एक अलग विषय वस्तु पर फिल्म निर्माण करने का बीड़ा उठाया है। जी हां, GR8 फिल्म के बैनर तले बनने जा रही फिल्म के निर्माता विवेक और निर्देशक सौरभ सुमन के निर्देशन में गैंगस्टर दुल्हनिया का मुहूर्त मुंबई में धूमधाम से किया गया है। इस फिल्म में गौरव झा, निधि झा, ग्लोरी और संजय पांडे के अलावा जमशेदपुर के स्थानीय कलाकार भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे। मुहूर्त के शुभ अवसर पर युवा निर्देशक सुमन झा ने बताया कि वो कई वर्षों से निर्माता विवेक के साथ फिल्म की कहानी पर काम कर रहे थे। गैंगस्टर दुल्हनिया एक सुंदर युवती के गैंगस्टर बनने की कहानी है जो गैंगवार के चाल में फंस जाती है। फिल्म के संगीतकार अमन श्लोक ने बताया कि गैंगस्टर दुल्हनिया के गाने भी आम भोजपुरी फिल्मों से हटकर होगी, जो गाने की कहानी को और दृश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। निर्माता कुमार विवेक ने बताया कि फिल्म की शूटिंग 5 नवंबर से झारखंड के विभिन्न लोकेशन पर किया जाएगा। इस फिल्म में पहली बार लुलिया गर्ल एक गैंगस्टर के अवतार में नजर आने वाली है।